यहाँ कौन आ गया? कैसा रिसोर्ट है, कैसी चाबी है, दरवाजा भी नहीं खुलता है। डार्लिंग ओपन द डोर, मैं आ गया। मैं जाता हूँ। ये पारसी बाबा पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ये पारसी अंकल को तो कल मिलूंगा। मैनेजर साहब, आपका रिसोर्ट एकदम फालतू है। अरे चाबी लगा के भी दरवाजा का लैच नहीं खुलता है। आप चाबी दिखाई? ले लो। आपका रूम नंबर क्या है? मेरा 308। पर ये तो रूम नंबर 303 की चाबी है। ये आपके पास कहाँ से आई? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे 308 की दे दीजिए प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। बच्चे की कार को मैंने ऐसे ठोका कि एक्सक्यूज मी अंकल, कार का सब लाइट टूट गया। क्या अंकल बोल रहे हो? भाई साहब भी तो बोल सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी अंकल, आई मीन भाई साहब। थैंक यू। अच्छा वो शायद राजीव सर अपने रूम की चाबी भूल गए कहीं, तो मैं आपको उनके रूम की चाबी देता हूँ, आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। बहुत परेशान हो रहा होगा, राजीव ने चाबी खो दी। ये तो रोज का है दादाजी, मुझे तो नींद आ रही है। चलो छोटे लल्ला, पहले हम तुम्हें अपने कमरे में छोड़ देते हैं, उसके बाद चाबी देने जाएंगे। ठीक है। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। हेलो, आर यू रेडी मेरे काउबॉय? टोटली, तुम्हारे इंतजार में एकदम सूखा पत्ता होता जा रहा हूँ। अच्छा तो बस तैयार हो जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली हूँ। वेट करता हूँ। ला 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 ला। कहाँ हो मेरे हैंडसम हंक? लेकिन तुम कहाँ हो? आ तो गई हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तो गई। अच्छा एक मिनट, ढूंढो कि मैं कहाँ हूँ। मिला मिला। राजीव, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं बन ठन के आई हूँ और तुम छिपन छिपाई की गेम खेल रहे हो, कहाँ हो? अरे तुम्हारी गलती है, तुम आ नहीं रही हो, ऊपर से मुझे डांट रही हो, मैं तो यही हूँ बैठे। अच्छा तो क्या मिस्टर इंडिया बन गए हो, दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे यार यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी आंखों के सामने रखी चीज तुम्हें दिखती नहीं है। सामने रखी मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही है, बस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। इतना बड़ा, इतना हैंडसम हंक लेटा हुआ है तुम्हारे आगे, तुम्हें दिख नहीं रहा? एक मिनट राजीव, तुम कौन से कमरे में हो? मैं वही 308। हमारा रूम नंबर 303 है। तुमने तो चाबी दी थी बेबी, 303 क्या? 303 हमारा कमरा, फोन रखो, बाद में मिलता हूँ। चाबी मिल गई। लल्ला की अम्मा, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, चलो चलो। क्या हुआ? अरे मैं क्या हुआ क्या? ए शर्म, अपनी बीवी को छोड़ के मेरी बीवी के ऊपर नजर डाल दे। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, सुनो मैं बताता हूँ। ए शर्म, क्या की उम्र का ख्याल है क्या नहीं तेरे को? ए फरक, मैं क्या तेरे को बुड्ढी लगती हूँ? तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं इसको देख लेता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, गलती हो गई। अरे तेरी शराबत तो मैंने देखी, अब इसको देख मैं क्या करता हूँ तेरे को। मेरी बदमाशी देख। अंकल देखो, मैं आपको बताता हूँ अंकल, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे चुप, अरे लोग देख रहे। अरे अंकल मेरी बात तो सुनिए, मैं आंटी के साथ कुछ नहीं कर रहा था। अरे बाबू बाबू क्या हुआ? अरे हटिए, अरे वो पीछे, अरे बाबू जी हटिए ना, कर रहे हो तुम ये क्या? किधर किधर गया वो? अरे मैं उसका माथा तोड़ डालूंगा। इतना गुस्सा मत कीजिए, पहले बता तो दीजिए क्या हुआ। हाँ भाई साहब, इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, वरना हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। हाँ नहीं तो, वैसे हुआ क्या है, आप इतना शोर मचा रहे हैं? हुआ नहीं, लेकिन होने वाला था, मैं उधर गया इसलिए नहीं हुआ, मैं तो जरूर होता था। क्या हो जाता, जरा बताइए, मजा आ रहा है? अरे क्या मजा आ रहा है, अब मेरी बीवी बाथरूम में थी और ये तुम्हारा वो जो है ना, वो हाथी चटनी पे खड़ा था उधर। देखिए भाई साहब, जो हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता, हमारा लल्ला बड़ा संस्कारी है। अच्छा संस्कारी है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, अब हमें लल्ला को माफ कर दीजिए। हैं? ठीक है अभी तो माफ करता हूँ, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई गलती की ना वापिस, तो आपको मालूम नहीं ये लेके ही। एनीवे चलो जाता हूँ। जरूर ये कुछ बहू की वजह से हुआ है। बहू चाबियां हमें दो, हम संभाल कर रख देंगे। अरे सास है तुम्हारी,
तुमसे ज्यादा अनुभव है हमें। लेकिन अम्मा जी, घर के मेन डोर की चाबी तो आपके पास ही है। बहू, हम घर की चाबियों की बात नहीं कर रहे हैं। अम्मा जी, तिजोरी की चाबी तो आपने मुझे कभी दी नहीं। इस कमरे की चाबी देखा नहीं तुमने, कितना बड़ा झमेला हो गया। एक चाबी तो तुमसे संभाली नहीं जाती। अम्मा जी, वैसे आपका ये लल्ला गलत कमरे में पहुंच गया था, मैं तो अपने कमरे में ही थी, मैंने चाबी नहीं घुमाई। और वैसे भी आप सारी बातें घुमा फिरा कर मुझे पर क्यों ले आती हैं अम्मा जी? ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। हम सास हैं तुम्हारी और तुम बहू। अभी तुम्हें हमारी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, लेकिन याद रखो, कड़वी दवाई से ही तबीयत ठीक होती है। क्यों जी? बिल्कुल सही। जब सास बनोगी ना, तो हमारी बातें और हमें जरूर याद करोगे। लेकिन बहू, तब हम नहीं होंगे ना। अरे, आप बकायदा मुझे सास बनते देखेंगी, और मेरी बहू को ताने देना भी तो मैं आप ही से सीखूंगी ना। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या हमें? अम्मा, अब बिंदिया बहू के आने का वक्त हो गया। क्या? हाय, देखा, बहू हमारे साथ बातों के बताशे इसलिए बोल रही थी ताकि हमारा बिंदिया बहू वाला सीरियल छूट जाए, है ना? हाँ। देखा कैसे एक बार फिर घुमाकर बात मुझे पर आ गई। बहू, अब क्या कहो, ये तुम्हारी सास का प्यार है और कुछ नहीं। हाँ, आया लल्ला की अम्मा। जाओ कपड़े पहन कराओ। तुम ही तो, तुम्हारे सामने क्या कपड़े पहनने? Come on, my senorita. Senorita गई समुंदर में डुबकी लगाने, तुम भी जाओ। अरे ऐसे कैसे यार, हम बार पे मिले थे, हमने तो इतना मजे किए थे। सुनो, याद है ना तुम्हें गोवा जाकर कुशल और बिंदिया की जिंदगी में ऐसी दरार डालनी है कि गए तो वो दोनों हनीमून पे साथ साथ है, पर आएंगे दोनों अलग अलग। जरा भी बाकी है मेरे दोस्त। अरे, कल का पूरा दिन बचा है ना बीबी, तो हनीमून की कसम, हनीमून तो मना के ही जाएंगे। अब रहने दो। नहीं यार, नहीं रहने दूंगा। जाने दो। नहीं जाने दूंगा। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना, पकड़ेंगे जो हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। और सारे पतियों ने तो 7 जन्मों के लिए हाथ पकड़ा ना, लेकिन मैंने तुम्हारा 8 जन्मों के लिए हाथ पकड़ा है, और कोई ताकत इसे नहीं छुड़ा सकती, कोई भी बेबी। अम्मा जी, ये लो, आ गई वो ताकत। जाओ देखो भाई, कहीं उनके कमरे में फ्रिज तो खराब नहीं हो गया। हाँ जी अम्मा जी। लल्ला, वो कौन है जो हमारी बिंदिया बहू की जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ रही है? अरे अम्मा, वो अभी शूटिंग कर रही है, वो मैं आपको कल मिलवा दूंगा, अभी आप सो जाइए ना। अभी तो हम सो जाते हैं लल्ला, लेकिन याद रखना, जब भी वो हमारे सामने आएगी ना, यही गोवा के समंदर में उसे जल समाधि दिला देंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, ओके। क्यों हंस रही हो? तुमने अभी एक सीरियल बनाया है ना, ये बिंदिया श्रृंगार सुहागन का, अब इसके बाद तुम जो अगला सीरियल बनाओगे ना, उसमें अम्मा जी को जरूर कास्ट करना, और शो का नाम रखना अम्मा जी दीवानी बिंदिया की। लेकिन फिलहाल तो मैं एक नया सीरियल बनाने वाला, इसका नाम पता क्या है? मैं दीवाना तेरी प्रिया का। हाँ हाँ, समझ गया ना, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही करना है। हाँ हाँ, अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सुंदर सी टेबल, वाइट एंड ब्लू डेकोरेशन, और हाँ, शैंपेन बॉटल मत भूलना। हाँ, और एक अच्छा सा म्यूजिशियन सैक्सोफोन बजाता हुआ, सब कुछ बहुत रोमांटिक होना चाहिए। करेक्ट, ओके। कहाँ जा रहे हो? उठ गई तुम? बहुत जरूरी काम है, करके आता हूँ। राजीव जो मुझे सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा है, वो तो मैं अपने सपने में ऑलरेडी देख चुकी हूँ। अब मैं वहां जाकर राजीव को सरप्राइज दूंगी। कट 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 कट। ओ कुशल साहब, क्या हो रहा है? थोड़ा और रोमांस बढ़ाएं, थोड़ा और रोमांटिक। मैडम वो समय वही तो दे रही थी। एक्शन। कट कट कट। ओ क्या हो रहा है भाई, सुबह से 8 या 10 रिटेक हो गए, सारा दिन इसी में जाएगा। अरे पैसा कितना वेस्ट होगा, और मेरा तो गोवा का शेड्यूल खत्म नहीं होगा, ऐसे क्या करूं? अच्छा सुनो सुनो, मैं ऐसा करता हूं, कुशल की जगह जाता हूं, तुम विद्या का क्लोज तो मानना, ठीक है? कुशल
हाँ सर डार्लिंग सुनना हाँ बोलो ना सर मतलब सुनना सुनो ना आपके पास तुम रोल करते रहना क्लोज इंडिया का कुशल क्या है ना जैसा चैनल ने ब्रीफ दिया था वैसे एक्सप्रेशंस आ नहीं रहे तुम देखो मैं करके दिखाता हूँ एक लुक देखो बैठो तुम बैठ के कर रहे हो ना सीन मैं तेरा खड़ा कर देता हूँ सीन ठीक है अब मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ जीनियस थोड़ा और क्लोज रेडी डायरेक्टर हाँ जी एक्शन आज से पहले चांदनी अपने आप को सबसे खूबसूरत और चांद सबसे खुश नसीब समझता था लेकिन आज तुम्हारा ये हुस्न देखकर चांदनी तुमसे जल रही है और चांद मेरी किस्मत से ये वो लड़की है जिसके चक्कर में ये अपनी इतनी अच्छी वाइफ को तलाक देना चाहता है क्योंकि तुम मेरे पास हो मेरे पास और पास और पास और पास सबसे पास राजीव पैकअप हो गया बेबी नो 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 जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है अच्छा नॉनसेंस चलो लेट अस गो वो बिंदी और कुशल को एक्सप्रेशन समझा रहा था मैं तुम रोमांस के बहुत बड़े प्रोफेसर हो लेकिन मेरे पास जब आते हो तो फिर रोमांस के स्टूडेंट भी नहीं रहते सारा रोमांस गोल हो जाता है बेबी ऐसा नहीं है मैं आई एम गुड स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर सुनो बात तो ये है ना राजीव कि तुम्हारे पास ना तो मेरे लिए कोई वक्त है और ना ही तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है अरे ऐसा क्यों बोल रही हो बेबी अरे बेबी एक मिनट मेरी बात तो सुन लो प्लीज यार मेरी मैं जब से आई हूँ ना कुछ ना कुछ सुन ही रही हूँ या तुम्हारी या अम्मा जी की या बिंदिया की मतलब तुम्हारे सारे रोमांटिक आइडिया सिर्फ तुम्हारे सेट के लिए हैं तुम्हारी बीवी के लिए कुछ नहीं है अगर ऐसा ही करना था तो फिर मुझे इस हनीमून के लिए क्यों लाया अरे मैं कल आया था हनीमून पे तुम्हारा खुद का आइडिया था नहीं है मैं तो यहाँ शूटिंग करने आया हूँ इतना पैसा लगा हुआ यहाँ पे तुम ये नहीं पता तुम ये नहीं देख रही हो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो अरे तुम तो एक प्रोड्यूसर की वाइफ हो तुम्हें तो मेरी हेल्प बेबी आई एम सो सॉरी मतलब मेरा तुम यहाँ क्या कर रही हो एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम है सर वो जो लंबे लंबे बालों वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली जो वैम जैसी दिखती थी बिल्कुल जो हमने वो के लिए कास्ट किया था हाँ हाँ आगे बताओ सर वो अब नहीं आ रही है सर उसकी टांग टूट गई और वो बोल रहे कि अब मैं नहीं आ रही हूँ तुम पागल हो गई हो तन्वी उसको भी अभी टूटना था इतना पैसा लग गया चैनल पे प्रोमो चल गया पूरी कहानी उस पे है सारे सीन उस पे है इतना पैसा लग गया पूरा यूनिट गोवा पहुंच गया और वो तो साथ ही लेके आना चाहिए था सर मुंबई से किसी आर्टिस्ट को बुला लेते हैं नहीं सॉरी नॉट पॉसिबल इतना टाइम लग जाएगा एक काम करो तुम गोवा के लोकल आर्टिस्ट है ना उनको कांटेक्ट करो और लाइन अप कराओ कास्टिंग को बोलकर यहीं से हम लेंगे अपनी वो सर आप इतने अच्छे आइडियाज कहां से लाते हैं शट अप गेट आउट सॉरी अभी कराओ कुशल और बिंदिया की जिंदगी में मैं कहर बन के आऊंगी और दोनों को अलग करके रहूंगी नेक्स्ट कुशल और बिंदिया की जिंदगी में कहर बन के आऊंगी और नेक्स्ट कुशल और बिंदिया की जिंदगी में कहर बन के आऊंगी और दोनों को अलग कर दूंगी कुशल और बिंदिया की जिंदगी में एक दिन कहर बन के रहूंगी और ये दोनों को एक दूसरे से दूर करके रहूंगी थैंक यू ये डीजे कहां से लेके आए तुम मैं तो डायलॉग बोलने को बोला था रैप कर रहे हैं यहाँ पर कुशल और बिंदिया की जिंदगी में मैं कहर बन के आऊंगी और उन दोनों को अलग करके रहूंगी लड़का कुशल और बिंदिया की जिंदगी में कहर बन के आऊंगी और उन दोनों की जिंदगी अलग कर दूंगी मेहरबानी करके आप जाइए अब एक ही काम रह गया पैकअप क्या शूटिंग पैकअप करो और मुंबई वापस चलो सर ऐसे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा अब क्या बोल रहे हो क्या कर सकते हो रास्ता भी तो नहीं है मोटा मुंह छोटी बात मैंने माना कि रोल छोटा है लेकिन इसके लिए कमाल की एक्ट्रेस सर मैंने देखी है सच कौन है बताओ ना कौन सर हमारी पूजनीय भाभी जी प्रिया मैम अरे पागल हो गया तो सर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचाना सर सर भाभी जी वो का रोल करने के लिए तैयार होगी ना तो लाखों का नुकसान बच जाएगा और हमारी शूटिंग हो जाएगी क्यों जीनियस बात तो सही कह रही लेकिन कुछ नहीं और जब उन्होंने आपको डांटा फटकारा ना तो मैंने उनके अंदर की वैम को देखा मेरा मतलब है नेचुरल
एक्ट्रेस देखी? हाँ, वैसे कॉलेज में थिएटर तो करती थी प्रिया। अच्छा, मैं बात करूं? हाँ सर, सर नेकी और फुट फुट। नहीं 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 नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। अच्छा, जल्दी से मनाइए ना उनको। यस सर। आप तो लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट हैं। जब बिंदिया पट सकती है तो प्रिया मैम क्या बात है। मेरा मतलब है हमारा एपिसोड पूरा नहीं होगा ना तो हमारा टेलीकास्ट। बेबी सॉरी सॉरी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। ओके, मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। तुम कहो तो पैर भी पकड़ लूंगा। मैं अपने नीचे उठूंगा नहीं जब तक तुम मानोगी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज ना बेबी, मतलब ये रोल कर लो प्लीज। मैं तुम्हारे शो में वैम्प का रोल नहीं करूंगी राजी। अरे तुम बहुत अच्छा करोगी, एकदम नेचुरल वैम्प हो। क्या मेरा मतलब है, तुम नेचुरल एक्टिंग करोगी, ये डायरेक्टर बोल रहा था। तुम अच्छी हो और कॉलेज में भी तो थिएटर करती थी तुम, याद नहीं तुम्हें कितना अच्छा करती थी। प्लीज मान जाओ ना, अपने पति को बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, रेपुटेशन, मेरे को कोई चैनल काम नहीं देगा। प्लीज बेबी, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम्हारा हेड मसाज करूंगा, तुम्हारा बॉडी मसाज करूंगा, तुम्हारे हाथ दबाऊंगा, तुमको तो तुम्हारे पैर भी पढ़ लूंगा। बेबी प्लीज, तुम चाहती हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो? बेबी प्लीज मान जाओ ना। देखो तुम बोलती भी तो रहती हो कि हम टाइम स्पेंड नहीं करते साथ में। तुम अगर सेट पे होगी तो हम साथ में कितना टाइम स्पेंड करेंगे सोचो। तुम मेरी प्रेरणा बनोगी, मेरा काम भी कितना अच्छा होगा, हम सारा टाइम साथ में होंगे। प्लीज ए देवी, तेरे दरबार पे आया ये दुखियारा बेचारा बेसहारा टेंशन से भरा हुआ प्रोड्यूसर है, प्लीज इसकी झोली भर दो प्लीज। ठीक है बच्चा, ये देवी प्रसन्न हुई, ले तेरी झोली भर दी हमने। भर दी मतलब तुम रोल करोगी? हाँ राजीव, मैं तुम्हारे शो में वो बनने को तैयार हूँ। वो बनोगी ना? वाओ बेबी, तुम्हारे पैर का है, का है तुम्हारे पैर, एक का है, बताओ बताओ। नल्ला लल्ला, तू बहू के सामने घुटनों पे, वो भी हाथ जोड़ के? नहीं अम्मा, वो मैं। वाह बहू वाह, पत्नी अपने पति को सर आंखों पे रखती है और तुमने अपने पति को घुटनों पे रखा हुआ है। अम्मा जी, मैंने आपके लल्ला को घुटनों पर बैठने के लिए नहीं कहा था, आपका लल्ला खुद अपने आप घुटनों पर बैठा है। बताओ लल्ला अम्मा को कि तुम घुटनों पर क्यों बैठे हो। अम्मा मैं तो योगा कर रहा था, योगा, ये देखो योगा। लल्ला, हम तुम्हारी अम्मा हैं, हाँ, ये दो दुनी चार हमें ना सिखाओ। हमारे बनारस में कहावत है, घर के ऊपर छत, छत के ऊपर खाट, और शादी के बाद बहू पढ़ाती है बेटे को पाठ। वाह अम्मा जी वाह। अम्मा जी, आज ना मुझे बहुत सुकून की नींद आई, क्योंकि जब से हम गोवा आए हैं ना, मैं आपके मुंह से कहावत सुनने को तरस गई। थैंक यू अम्मा जी। हमेशा बाथरूम चली जाती है। हुआ क्या अम्मा, इस वक्त आप यहाँ? लल्ला कौन है वो? वो लल्ला, एक बार वो हमारे सामने आ जाए ना, हमारे हाथों से बचेगी नहीं। कह दे रहे हैं। क्या करोगे आप उसके साथ? वो तो जब वो हमारे सामने आएगी ना, तभी तुझे पता चलेगा कि हम उसके साथ क्या करने वाले। हाँ नहीं तो अम्मा, ये टीवी सीरियल है, इसमें सब एक्टिंग होती है, आप सब कुछ सीरियसली मत लिया करो। अम्मा ये अम्मा जी उस वो की चटनी बना देगी, और मैंने तो प्रिया को बोल दिया है कि तुम वो बनने के लिए तैयार हो जाओ, और जब अम्मा को पता लगेगा कि वो प्रिया ही है तो मेरा पता नहीं क्या होगा, वो कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये भी नहीं पता। इस वो के अंदर